ठीक है, तो डॉक्टर साहब जी जी मैं भाई सलमान साहब, मैं बीच में आ गया आपों को डिस्टर्ब करने। मैं एक मिनट, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी आज से 3-4 दिन पहले कि मैं और मेरा शिष्य जो इंजीनियर संदीपन रॉय, हम दो रहेंगे। और संदीपन रॉय से ही मैं शुरू करूंगा। इनका फोटो भी आपको भेज दिया था कि संदीपन रॉय ही इस कार्यक्रम के आगाज इनसे होना है, ये शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर जैसा होगा हम दोनों आपस में चर्चा करेंगे, बतलाएंगे, मैं भी बोलूँगा, आप भी बोलना। तो संदीपन जी, माननीय डॉक्टर साहब की बातों पर फिर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो आयतें पढ़ी उसमें तो अल्लाह ने खुद कहा है कि वो तुम्हारी बात को वो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसके दिल में मोहर लगा दिया। जब अल्लाह ने मोहर लगा दिया तो दोषी कौन है? मोहर अल्लाह ने लगा दी तो दोष किन पर लगा रहे हैं? और ये बात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के साथ भी हुआ। उनके 11 चाचा थे, एक भी इस्लाम कबूल नहीं किया। एक अस्वस्थ थे, बीमार थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उनको कलमा पढ़ाने के लिए, अल्लाह ने साफ मना कर दिया कि मत जाओ, उनके दिल में मैंने मोहर लगा दी, वो कलमा पढ़ेंगे नहीं। तो जब मोहर लगाने वाला अल्लाह है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमु बिमा कानू यक्ज़बून, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं। अब अच्छा पंडित किसी जी, के मैं टाइमर स्टार्ट दिल कर दूं? आप टाइमर स्टार्ट कर दूं? में वही मैं सोच रहा था, क्योंकि फिर सवाल माशाल्लाह तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप बोल लें, कंटिन्यू कर लें, मैं संदीपन टाइमर स्टार्ट करता हूं, रिबटल राउंड हम स्टार्ट कर देंगे फिर, क्योंकि आप जी लोगों की के बात कहना है। सुनो, संदीपन जी की हाँ बात सुनो। संदीपन हाँ संदीपन जी बोले। जी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये 7 मिनट जो है, ये कौन सा राउंड है? थोड़ा मुझे थोड़ा याद दिला ये दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में शायद थोड़ा सा लेट आए थे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास रूल्स दिए गए थे उसमें मुकदमे वाला राउंड था 15 15 मिनट, जैसे आपने 15 मिनट बोला वैसे ही डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब ने 15 मिनट में अपना पॉइंट रखे। अब रिबटल राउंड होंगे जो कि 3 राउंड्स में तय लिखे हुए हैं, उसमें हर राउंड 7 7 मिनट का होगा, यानी कि जो आपने जैसे आपने मुकदमा रखा 15 मिनट, तो उस पर वो कोई सवाल कर सकते हैं या उसके जवाब दे सकते हैं या आपसे कोई काउंटर सवाल कर सकते हैं आपके ही आइडियोलॉजी को लेके, और उन 7 मिनट में आप डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब ने जो प्रेजेंट किया या कुछ अलहदा से और आप सवाल दागना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं, तो वो 7 मिनट में रिबटल होगा, यानी कि उसमें सवाल होंगे, लेकिन आपने खैर अपने मुकदमे में सवाल ऐड किए, तो वो डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब उस रिबटल में उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये 7 7 मिनट के राउंड, 3 राउंड होंगे, दोनों को 7 7 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको 7 मिनट, यानी फिर माजिद साहब को 7 मिनट। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो आप माननीय जो मुफ्ती साहब ने जो अपना मौकिफ रखा है उस पर मैं सवाल कर सकता हूँ इस राउंड जी उस पे कर सकते हैं, उसके अलावा ऐड करना चाहें तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, में? ठीक। तो मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूं, कुछ आपको शेयर करना है तो शेयर कर लीजिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, और अगर ऐसे ही जी कंटिन्यू करना है नहीं, तो अच्छा हाँ, सबसे पहले स्टार्ट कर दूं। ठीक है, माननीय, एक मिनट, एक हाँ मिनट जी, रीसेट आप कर दूं मैं सुनो। वॉच को, बस एक मिनट, बस उसमें हमें ये ख्याल रखना है संदीपन कि हमने जो रूल्स बनाए थे ना उसमें, जैसे कोई भी वर्ड्स में फिर से कोट करूँ, जैसे आपने बहुत अच्छे दिखाए पीपीटी में, तो वर्ड्स अगर कोट करें तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई जनरल बात कह रहे हैं तो ऐसे ही बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं टाइम स्टार्ट, ये हो गया आपका 7 मिनट, स्टार्ट कर। जी। सबसे पहले मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बातें अर्ज की, मैं एक एक का जो जो चीज मैं समझ पाया हूँ, मैं लिख पाया हूँ, उसका मैं जवाब देता हूँ कि हमारे माननीय मुफ्ती साहब किबला, उन्होंने बताया कि मैं अलहम या बिस्मिल्लाह शरीफ से लेकर के वन नास तक, सूरह नास तक, मैं सब पर ईमान रहता हूँ। तो मेरा वही यही सवाल है कि बिस्मिल्लाह से सूरह नास तक जो है, बिस्मिल्लाह का कुरान की आयत है कि नहीं, ये वही मेरा सवाल, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। दूसरी बात है कि बिस्मिल्लाह से सूरह नास तक ही क्या पूरा कुरान है, या इससे भी ज्यादा कुरान हो सकता है? उससे भी ज्यादा कुरान हो सकता है, उसकी भी मैं दलील आपको दिखाऊंगा ये किताबों से। फिर आपने ये बताया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुछ ऐसे लोग थे जो हुजूर अली सल्लल्लाहु वसल्लम पर एतराज करते थे, तो मेरा यही कहना है कि ये हम लोग एतराज नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं वो क्या है, वो उसके लिए अल्लाह अल्लाह ने खुद कहा है, फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून,
अगर तुम सच्चे, अगर तुम जानकारी नहीं रखते हो, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम जानकार लोगों से पूछो। तो हमारा मकसद कतई कुरान पर एतराज करना नहीं है, हमारा मकसद फसायु अहले सिकरीन कुंतुम ला तअलमून, यानी आलिमों से पूछो, आलिमों से मदद मांगो जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही। तो मैं यही काम कर रहा हूँ। कुरान पर मैंने आज तक कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपको आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। फिर आपने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से कुछ नहीं कहते, वो जो है वही में जो आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं, वही जो कहती है अल्लाह के रसूल भी वही कहते हैं। फिर अगर यही बात है तो सूरह तहरीम आयत नंबर 1 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, ये शब्द आया है वल्लाहु गफूर रहीम, कि ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ऐसे चीज को हराम क्यों कर रहे हो जिसको जिसको अल्लाह ने हलाल ठहरा दिया। तो अगर रसूलुल्लाह अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते तो फिर कुरान क्यों कह रहा है कि रसूलुल्लाह अपनी तरफ से अल्लाह की हलाल करता को हराम कर दी? तो फिर ये बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और फिर ये अफला या तदब्बुरुन अल-कुरान के इस उसूल के अनुसार दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये फिर इससे ये साबित होता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। अच्छा, फिर अल्लाह ने दिलों में पर्दा डाल दिया है, ये बात भी आपने कही है। और ये चूंकि मैं मोबाइल से कुरान की आयत देख रहा हूँ और इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ, तो माज़ूर चाहता हूँ। ये कुरान है सूरह बकरा आयत नंबर 7 में भी आया, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वअला समिहिम वअला अबसारिहिम जिसालतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो अगर ये अल्लाह का कलाम होता कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि हम ये जो है काफिरों के दिलों में मोहर डालते हैं, तो दिल का काम तो हार्ट का ब्लड पंप करना है, हार्ट का काम ब्लड पंप करना होता है। तो ब्लड पंप करना हार्ट का काम होता है, अल्लाह दिल पर मोहर लगा रहे हैं, दिल का ईमान के साथ क्या लेना देना, ये मुझे समझ में नहीं आया। अतः अल्लाह का ये कहना कि जो दिल पर मोहर लगाने से व्यक्ति काफिर हो जाता है, ये बात लॉजिकली और साइंस के रूप से मुझे समझ में नहीं आई, ये एक बात था। तो ये अल्लाह का कलाम इस उसूल के तहत भी नहीं हो सकता। फिर आपने कहा कि खुद हम लोग स्टडी करेंगे और गुमराह नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने बताया है कि जो है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ये सूरह बकर की ही है। अब कहाँ है मुझे याद नहीं है कि अल्लाह कह रहे हैं कि इसी कुरान से हम हिदायत भी देते गुमराह भी करते। तो स्टडी करने से जो लोग हैं वो गुमराह नहीं होंगे, वो हिदायत के रास्ते पर ही जाएंगे। तो अल्लाह तो कह रहा है कि भाई इस कुरान से तुम हिदायत भी पा सकते हो, गुमराह भी हो सकते हो। तो आप केवल हिदायत की ही बात कर रहे हैं, गुमराही की बात नहीं कर रहे। तो ये मैं आपके इस कलाम पर थोड़ा आपकी वजाहत चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने कहा हर एक इंसान का एक ही खुदा है, लेकिन कुरान इस बात को नहीं मान रहा है। कुरान हम तो मानते हैं कि ना द्वितीय ना तृतीय ना चतुर्थ ना प्यउच्चते ना पंचमा ना षष्ठ ना सप्तम ना प्यउच्चते ना अष्टम ना नवम, 10 तक गिना करके वेद ने कहा कि वो खुदा एक है, वाहिद है, तन्हा है। अब एक आयत में आपको दिखा देता हूँ, ये है सूरह मोमिनून का आयत नंबर 14। अगर देखना है तो मैं स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 में फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह तबारक व तआला अहसनुल खालिकीन, खालिकों में अफजल है, यानी खालिकीन शब्द आया वहां, इसमें प्लूरल में आया है, जमा में आया है। तो फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, खालिकों में अच्छा अल्लाह अफजल है, यानी खालिक एक नहीं है। कुरान के इस नुसूस कतई से हमें साबित हुआ खालिक बहुत सारे हैं। तो हमारे यहाँ तो वेद में कहा गया है कि परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ खालिक बहुत सारे हैं। और फतबारकल्लाहु अल्लाह इसमें थर्ड पर्सन में अहसनुल खालिक है, कि बेशक अल्लाह बहुत सबसे बड़ा जो है खालिक है, या खालिकों में सबसे अफजल है, ये हम तर्जुमा कर सकते हैं। तो खालिक एक नहीं है, और अगर अल्लाह अगर बोलते हैं इस कुरान को तो ये कहते हैं कि मैं खालिकों में सबसे अफजल हूँ, लेकिन वो बोलता खालिकों में अफजल अल्लाह है, यानी कहने वाला कोई और है। इसी तरीके से सूरह फातिहा में भी अगर हम देखेंगे तो
हम तेरी इबादत करते, तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला अगर ये कह रहे हैं तो नाउज़ बिल्ला, सुम्मा नाउज़ बिल्ला, ये फिर अल्लाह अल्लाह के लिए ये मानना होगा कि अल्लाह का कोई और खुदा है, तो फिर यहाँ पे ये बात तजाद आ जाएगा। और आपने कहा कि जो उस्मान, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो कुरान है वो हर जगह है। मैं माननीय मुफ्ती साहब से हाथ जोड़ करके ये गुजारिश करूंगा कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो नुस्खा है, नुस्खा कुरान है, वो कहाँ है, उसकी अगर कोई मतलब हजरत उस्मान के जमाने का अगर कुरान अगर हमें मुकम्मल मिल जाता तो बढ़िया होता। जी मैं अपने बात को इतना ही रखूंगा, फिर मैं स्लाइड दूसरे इसमें रखूंगा। ठीक ठीक, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, 10-15 सेकंड्स रह गए थे। तो संदीपन रॉय जी के सवाल उम्मीद है डॉक्टर अब्दुल माजिद जी ने पहले भी और अब भी नोट कर लिए होंगे, और आप कहेंगे तो मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। आप म्यूट पर हैं,